हेलो माय डियर फ्रेंड्स इनटू द नेक्स्ट प्रैक्टिकल ऑफ़ फिजिक्स और आज का प्रैक्टिकल टॉपिक ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में एक पार्ट पढ़ा uh, एक, एक है और दूसरा है एंगुलर एस एच एम ठीक और एंगुलर एस एच एम में ऑब्जेक्ट कैसे वाइब्रेट करता है एंगुलर मोशन है दिस इज इट इज गोइंग टू वाइब्रेट दिस वे दिस इज एंगुलर एस एच एम लीनियर एसएचएम यानी ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट होगी दैट इज लीनियर एसएचएम ये एंगुलर एसएचएम है एंगुलर एसएचएम में जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने देखा था तो पहले डेरिवेशन देखते हैं कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स एंगुलर एसएचएम देन व्हाट हैपेंस सो व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स एंगुलर एसएचएम the restoring torque is directly proportional to the displacement and is in a direction opposite to it. Torque is equal to minus alpha into theta. Torque is equal to I into alpha is equal to minus alpha into theta. जब ऑब्जेक्ट एंगलर सीसीएम करेगा, for example इसको मैं एक थ्रेड को लगाने वाला हूँ और फिर इसको ऐसे रोटेट करूँगा, तो the thread will try and get it back to its original position because there is a restoring torque developed in the thread lekin is position se ye overshoot ho jayega because of the already acquired velocity yahan tak aayega wapas yahan wapas yahan wapas aisa motion hoga and this is called as angular shm और जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, उतना टॉर्क ज़्यादा है. so the torque is directly proportional to angular displacement torque is directly proportional to theta

and this is omega square and therefore, I write omega square is equal to beta upon i, omega is equal to root of beta upon i, omega is 2 pi upon t is equal to root of beta upon i and t is equal to 2 pi root of

इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ मैं पहले यहाँ के डायरेक्शन को बता देता हूँ ऑन द मोबाइल आई हैव गॉट द डायरेक्शन ये जो मोबाइल है इसके ऊपर मैंने डायरेक्शन ली है आप देखोगे इसका डायरेक्शन कैसा है प्लीज चेक दैट आउट वी हैव गॉट द डायरेक्शन राइट नाउ ऑन द मोबाइल इसको फ्लैट सरफेस पे रखा मैंने और समझ में आया कि ये नॉर्थ साउथ है मैं जो खड़ा हूँ ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है ऑलमोस्ट सो आई ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ स्केल सपोज या इस चौक को रखता हूं मैं कि दिस इज नॉर्थ एंड साउथ दिस इज नॉर्थ एंड साउथ साउथ ये 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 जो है 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 स्ट्रेट लाइन नॉर्थ और और ओके इसको परपेंडिकुलर ये ईस्ट है और ये वेस्ट है दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ तो मैंने डायरेक्शन फाइनलाइज कर ली डायरेक्शन फाइनलाइज मैं क्यों कर रहा हूं क्योंकि आज मुझे जो काम करना है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का सहारा लेके करना है so, चलो इधर कॉन्स्टेंट अभी।, तो, अभी ये हो गया जनरल केस ये जो यहां पे किया है वो। मुझे क्या करना है तो मुझे ये लेना है दिस इज वॉट दिस इज अ बार मैग्नेट बार मैग्नेट लेके मुझे इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कंपेयर करना है दो बार मैग्नेट है मेरे पास ऐसे और ये दोनों बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कंपेयर करना है तो क्या होगा इसका इस्तेमाल करते हुए हमने थ्योरी में प्रूव किया है इसका इस्तेमाल करते हुए हमने थ्योरी में प्रूव किया कि t इज इक्वल टू पाए रूट ऑफ आई अपॉन एम बी एम के जगह पे यहाँ इन लोगों ने म्यू लिखा है दैट इज हेडिंग देखो यहाँ पे आई अपॉन म्यू इन टू बी वट इज दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ बार मैग्नेट विच इज ऑसिलेटिंग एंगुलर ऑसिलेशन हो रहा है उसका इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी है? ऐसे रखूंगा तो क्या होगा ऐसे रहेगा क्यों बिकॉज इट इज अलाइंट विदर्थ मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने देखा दिशा, दिशा में अलाइंड है अगर मैं इस बार मैग्नेट को अगर मैं इस बार मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करता हूं

मैग्नेटिकोल्ड it is, it is हम इस मैग्नेट को जिसके साथ हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं हम इस मैग्नेट को प्लेस करेंगे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में हम इस मैग्नेट को प्लेस करेंगे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी एच इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी एच और मुझे क्या कंपेयर करना है म्यू कंपेयर करना है दो मैग्नेट होंगे दो अलग अलग मैग्नेट का म्यू मुझे कंपेयर करना है तो ये फॉर्मूला पहले मुझे रिफाइन करना पड़ेगा स्क्वायर कर दो दोनों साइड को टी स्क्वल टू फोर पा स्क्वेयर इंटू आई अपॉन म्यू इंटू बी एच एंड आई गेट म्यू इज इक्वल टू तो फोर पाई स्क्वायर आई अपॉन टी स्क्वेर इंटू बी एच फोर ओके okay, ये दूसरा टॉपिक समझ में आया अब मुझे अगर दो बार मैग्नेट का अगर मुझे दो बार मैग्नेट का म्यू ढूंढना है और कंपेयर करना है तो पहले वाले बार मैग्नेट के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आई होप सबको मालूम है क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज कैपिटल इंटू टू एल विच इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इंटू द मैग्नेटिक लेंथ सो मू वन आएगाट एम वन इंटू एल वन स्क्र प्लस बी वन स्क्वेर अपॉन ट्वेल्व ब्रैकेट क्लोज क्या लिखा क्या किया वापस एक बार देखो इज़ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द फर्स्ट बार मैग्नेट, इट इज इक्वल टू फोर तो दोनों के लिए सेम है. कोई भी लो, का नहीं होगा. M1, पहले वाले बार मैग्नेट का मास इंटू एल वन स्क्वायर प्लस बी वन एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले और कोर्स दूसरे वाले का भी म्यू टू विल बीवल टू फोर पाए स्क्र अपॉन टी टू स्क्च इंटू ब्रैकेट एम टू इंटू एल टू स्क्र प्लस बी टू स्क्र अपॉन टू कैन फाइंड आउट म्यू वन अपॉन म्यू टू एंड यू कैन फाइंड आउट उन्होंने दिया कि इंडिविजुअल वाला टी वन ढूंढो बुलाया उन्होंने सिर्फ ओके फाइन

हाउ विट ऑफ इनर्शिया एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमने देखा है क्या ढूंढना पड़ेगा पहली चीज देखो यहाँ पे मास ढूंढना पड़ेगा इसका फिर इसकी लेंथ ढूंढनी पड़ेगी और इसकी ब्रेड ढूंढनी पड़ेगी मास किससे ढूंढेंगे हम लोग देखो ये इससे ढूंढेंगे मास ये मेरा वेइंग स्केल है ये वेइंग स्केल अभी जीरो दिखा रहा है क्या नहीं तो इसको यहां से एडजस्ट किया जाता है इसको यहां से एडजस्ट करके इसका जीरो एडजस्ट कर लो देखो जीरो एडजस्ट कर लिया मैंने ये जीरो एडजस्टमेंट कर लेने के बाद मेरे पास दो मैग सवाल क्या है व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट द एम इज टू कंपेयर द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स ऑफ टू मैग्नेट्स फॉर्मूला मैंने निकाल लिया ये फॉर्मूला है तो मैं अभी दोनों ही मैग्नेट का क्या ढूंढ रहा हूं म्यून अपॉन म्यू टू ढूंढने के लिए आय और टी पहला मैग्नेट लिया मैंने ये पहला मैग्नेट है मेरा इसका मैं मास ढूंढूंगा कैसे देखो ये ये जो है इसके उपर, ये है इसके ऊपर जीरो एडजस्ट बराबर फिर इसके ऊपर मैंने ये रख दिया ओके अब इसके ऊपर मैंने रख दिया इसको और इसका मास आया कितना आया आप खुद दे, खुद देख लो स्किल लेवल कुछ भी नहीं है इसमें जहां तक मुझे दिख रहा है इसका मास आ रहा है सिक्सटी सेवेंटी कितना है भाई फिफ्टी ग्राम सिक्सटी ग्राम से इसका मास ओके इसका ग्राम इसका मास सिक्सटी ग्राम से और मास ढूंढ लेने के बाद अब इसका क्या ढूंढना पड़ेगा मुझे इसका मुझे ढूंढना पड़ेगा लेंथ और ब्रेथ इलेवेंथ में सीखा हुआ है ये एपरेटस याद है क्या ये दिख रहा है सबको इलेवेंथ स्टैंडर्ड में का सीखा हुआ ऑपरेटस है इसका नाम क्या है वर्नियर कैलिपर वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हुए आप इस बार मैग्नेट का क्या ढूंढोगे लेंथ और ब्रेथ लेंथ और ब्रेथ कैसे ढूंढी जाएगी इस बार मैग्नेट की सो so, लेंथ और ब्रेथ ढूंढने के लिए इस बार मैग्नेट को इसमें रखा जाएगा ये लेंथ और ब्रेथ के लिए इसको ऐसे रखेंगे समझ में आ रहा है सबको लेंथ और ब्रेथ के लिए मैं इस बार मैग्नेट को ऐसे रख रहा हूं दिस इज फॉर फाइंडिंग आउट द लेंथ मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट अगर जीरो एरर है तो जीरो एरर को कंसीडर करते हुए ढूंढो क्या किया है वापस एक बार देखो इसको गिर गया ये नीचे एक सेकेंड वापस रखते हैं इसको वहां पे भाई तू रुक जा वहां पे अच्छे से रुक जा ओके नाउ इट इज फिक्स्ड ये देखो दिस इज हाउ इट इज इन द वर्नियर कैलिपर तो हाउ मच इज द रीडिंग पहले इसको ठीक से बिठा लेता हूँ वापस एक बार और फिर मैं रीडिंग ढूंढूंगा ओके सो लेट अस फाइंड आउट द लेंथ लेट अस फाइंड आउट द लेंथ इसको पैक करना पड़ेगा वहां पे और फिर मैं लेंथ ढूंढूंगा ओके हाउ मच इज द लेंथ क्या फॉर्मूला बताया मैंने क्या फॉर्मूला बताया द फॉर्मूला इज मेन स्केल रीडिंग कितना है देखने दो मुझे जरा जीरो इज कोइंसाइडिंग विथ टेन एंड थर्ड डिविजन ये देखो कैसा है इसको जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो वर्नियर स्केल एक बार वापस देख ले और इसको समझ ले कि वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हुए मैं इसकी लेंथ ढूंढ रहा हूं पहले वाले इसकी L1 इज इक्वल टू कितना आया है ये कितना आया लेंथ तो इट इज करस्पॉन्डिंग टू टेन प्लस सेंटीमीटर है और वर्नियर स्केल इसको इंसाइडिंग विथ एक दो तीन तीन टेन प्लस जीरो थ्री सेंटीमीटर ये क्या आ गया ये पहले बार मैग्नेट की लेंथ आ गई पहले बार मैग्नेट की लेंथ आ गई अब मुझे क्या ढूंढना है

Uh, यहां लिख रहा हूं मैं ब्रेथ ढूंढ रहा हूं बी वन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट नाइन प्लस जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट नाइन प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव जीरो पॉइंट नाइन फाइव सेंटीमीटर जीरो पॉइंट नाइन फाइव सेंटीमीटर दिस इज द ब्रेथ आई होप

ग्राम। अब ये तीनों का इस्तेमाल करते हुए आप क्या ढूंढोगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे ढूंढोगे आप यह आ गया देखो यहाँ पे आई वन इज इक्वल टू मैं एक का ही दिखा रहा हूं दूसरे का काम आप खुद करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन इज इक्वल टू एम वन इन टू एल वन स्क्वेर प्लस बी वन अपॉन ट्वेल्व मास मालूम है सिक्सटी टेन पॉइंट जीरो थ्री का स्क्वायर प्लस ब्रेथ मालूम है जीरो पॉइंट नाइन फाइव का स्क्वायर अपॉन लॉक टेबल से स्क्वायर ढूंढो इसका स्क्वायर लॉक टेबल से ढूंढो ऐड कर दो और फिर लॉक टेबल से इसकी वैल्यू निकाल लो इसकी वैल्यू निकाल लो ये आ गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन ओके और फिर दूसरे का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढ लो दूसरे का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढ लो कैसे ढूंढोगे सेम लॉजिक स्टेप नंबर वन फाइंड आउट द मास किसका इस्तेमाल करते हुए ये इसका इस्तेमाल करते हुए फाइंड आउट द मास स्टेप नंबर टू इसका इस्तेमाल करते हुए फाइंड आउट द लेंथ फिर इसी का इस्तेमाल करते हुए फाइंड आउट द ब्रेड एंड देन यूज द फॉर्मूला एम एल स्क्वेयर एम इंटू ब्रैकेट एल स्क्वेयर प्लस यू विल गेट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरे मैग्नेट का भी ऐसे ही ढूंढो अब आगे एक्सपेरिमेंट का पहला पार्ट यहाँ पे लिखता हूं पार्ट क्या क्या किया एम हो गया एपरेटिस बाद में देखेंगे पहले मैंने मास ढूंढ लिया दूसरी स्टेप लेंथ ढूंढ ली तीसरी स्टेप ब्रेड ढूंढ ली फोर्थ स्टेप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढ लिया एम इन ब्रैकेट एल प्लस बी रिपीट वन टू फोर रिपीट स्टेप नंबर देखा ऐसा है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इज इन नॉर्थ साउथ डिरेक्शन बिल्कुल सीधी है यहाँ पे तो उस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ लगा के अब मैं क्या कर रहा हूं बड़े ध्यान से देखो अब मैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ लगा के इस मैग्नेट को रख रहा हूं दिस मैग्नेट आई होप तुमको दिखाई दे रहा है Are you able to see this? Earth, ये magnet moment, ये आर यू एबल टू सी दिस अर्थ मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये साइड में रख दो इसको जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दोनों का कंपेयर करना है इसको मैंने यहां पे रख दिया एम क्या है

ये अर्थ के मैग्नेटिक तुम देखो अगर मैंने इसको ऐसे हिला दिया अर्थ के गोल 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 तो ये थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद ये अपने आप को वापस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन करेगा द मैग्नेट नाउ हैज स्टार्टेड रोटेटिंग इन द रिवर्स डिरेक्शन और ये मैग्नेट अपने आप को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन कर रहा है तो थोड़ा समय देते हैं उसको अलाइन करने के लिए और देखते हैं हमारा अगला एपरेटस क्या है यह है मेरा अगला एपरेटस बाबा आदम के जमाने का स्टॉप वॉच है।, तो है देखो शुरू किया हाँ हो रहा है शुरू बंद कर दिया बंद कर दो वापस शुरू करना है इसको शुरू करो बंद करना है बंद करो दिस इज हाउ द स्टॉप वॉच वर्क स्टॉप वॉच का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं भाई हम लोग स्टॉप तो वॉच का इस्तेमाल हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मूला देखो मुझे ढूंढना है म्यूवन अपॉन म्यूटू अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैंने इसको अलाइन कर लिया मैंने इसको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर लिया अब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करें दोनों मैग्नेट का वैसे ही करना है मैं आपको एक ही मैग्नेट का, का काम करके दिखा रहा हूं आपको यही प्रोसीजर ये एक मैग्नेट यहाँ लगाया हुआ है ये दूसरा मैग्नेट है दिखाई दे रहा ना मैं हाथ ऊपर हाँ गया ये दूसरा मैग्नेट है बिल्कुल ऐसे ही पूरा का पूरा काम करना है मास ढूंढो लेंथ ढूंढो ब्रेड ढूंढो क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में उसको रख दो फिर क्या करोगे आप यहां तक आ गए ये फॉर्मूला है मेरा मैंने इस बार मैग्नेट का लेंथ इसका ब्रेड इसका मास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढ लिया अब इसको यहां पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के छोड़ दिया है। अब अब क्या होगा? अब मैं इस बार मैग्नेट को ऑसिलेट और मैं उसको सपोज पांच बार या दस बार मैंने उसको ऑसिलेट कराया उस पांच या दस बार ऑसिलेशन के लिए उसको कितना वक्त लगता है ये ढूंढूंगा अगर मैंने सपोज उसको पांच बार ऑसिलेट किया और पांच बार ऑसिलेशन के लिए दस सेकेंड लगे तो उससे एक ऑसिलेशन के लिए कितना वक्त वो आएगा टेन अपॉन फाइव दैट इज टू पहले वाले के साथ भी यही प्रोसीजर दूसरे वाले के साथ भी यही प्रोसीजर और फिर ये फॉर्मूला इसमें सब्सटीट्यूट करके मेरा आंसर आ जाएगा म्यू तो तो वन अपॉन म्यू टू आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेट वन मैग्नेट वन का काम यहां तक लाया है मैग्नेट वन का पूरा बता रहा हूं मैग्नेट टू का बिल्कुल वैसे ही करना है आपको तो चलो देखते हैं अभी कैसे करना है मैंने एक मैग्नेट लिया और इस मैग्नेट को बड़े ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं मैं इस मैग्नेट को इसके पास ला रहा हूं थोड़ा सा क्या हो गया इट वेंट ऑफ एंड नाउ इट हैज स्टार्टेड नहीं देखा है का काम कर रहा हूं मैं पहले वाले का और मैं इसको ऑसिलेट करवा रहा हूँ कैसे देखो इसको साथ नजदीक लेके गया और मैंने बाहर निकाल लिया मैगनेट क्या हो रहा है अभी इसको सफिशियंटली दूर रखो दिस मैगनेट हैजार्टेड ऑसिलेटिंग एंड व्हेन दिस स्टार्टेड ऑसिलेटिंग आप क्या करोगे एक पॉइंट पे लाके ये मैग्नेट ऑसिलेट हो रहा है मैंने इसको क्या करना है इसका टाइम पीरियड ढूंढना है ओके okay? तो अब मैं क्या करूंगा ये इसको ठीक से ऑसिलेट होने दो ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं होना चाहिए एज फार एज पॉसिबल इट शुड बी स्ट्रेट ओके और फिर मैं ये वो एक पोजीशन पे है

पांच ऑसिलेशन के लिए ये जो वक्त ले रहा है या दस के लिए जो भी आपको कॉलेज में कहा जाता है वो आप ढूंढ लो दस ऑसिलेशन के लिए बीस सेकेंड यानी एक ऑसिलेशन के लिए दो सेकेंड्स लगेंगे दो सेकेंड्स लगेंगे तो आप ढूंढ लोगे टी इसका भी टी स्टेप नंबर फाइव इसका टी टी वन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन

और ये जब स्टेबल हो जाएगा ये स्टेबल इसी डायरेक्शन में होगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये स्टेबल होगा और जब ये स्टेबल हो जाएगा तो स्टेबल होने के बाद ये मैग्नेट लेके आपको इसके नजदीक लेके आना है और इसको क्या करना है एंगुलर ऑसिलेशन करवाना है इसको इसको एंगुलर ऑसिलेशन कराना है एंगुलर ऑसिलेशन कराने के बाद आपको टाइम

मैंने टाइम ढूंढ लिया कैसे टाइम टेकन फॉर टेन ऑसोलेशन जितना है उसको टेन से डिवाइड कर दो तो टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन आएगा एंड देन यू फाइंड दिसर इन टू आई वन अपॉन आई टू यूल रेशियो ऑफ म्यू वन अपॉन म्यू टू विच इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये इस एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट है it is finding out it is finding out the ratio of the magnetic dipole moments using individual ek hi istemal kiya na at a time using individual magnet iska dusra part using two magnets at a time like and dislike manner mein तो थोड़ा मैंने ये experiment setup, क्योंकि लंबा खींचता है ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा स्किल कम है लेकिन खींचता लंबा है इसलिए मैंने आ, Assist और अपोज इसको बना के रखा है मैं इसको दिखाऊंगा आपको देखो बड़े ध्यान से ये बार मैग्नेट है दो बार मैग्नेट को मैंने साथ में जोड़ दिया है दो बार मैग्नेट को साथ में मैंने जोड़ दिया है और इसमें क्या किया है देखता हूं मैं इसमें ये है इसका कौन सा पोल है भाई इसका ये साउथ पोल है नॉर्थ पोल ये, ये देखो दो बार मैग्नेट दिखाई दे रहा है सबको दो बार मैग्नेट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं दिख रहा है क्या ये ये साउथ है यहाँ पे लिखा हुआ है साउथ ये ऊपर सामने का बार मैग्नेट है और ये यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ ये साउथ ये नॉर्थ मैंने क्या किया ये साउथ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बता के रखता हूँ ये साउथ है इसको मैंने सैलो टेप से लगा दिया है और ये है नॉर्थ क्या हुआ है ऐसा जब मैं कनेक्ट करता हूँ ऐसा जब मैं कनेक्ट करता हूं तो क्या होता है बड़े ध्यान से देखना जब मैं ऐसा कनेक्ट करता हूं इसको याने ये बार मैग्नेट नॉर्थ और साउथ दूसरा बार मैग्नेट इधर नॉर्थ और इधर साउथ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ है इट इज साउथ टू नॉर्थ ये एम वन है या एम वन है इसको म्यू वन बोलेंगे और ये इधर से इधर है इसको म्यू टू बोलेंगे ये दोनों का कंबाइंड ये दोनों का कंबाइंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना आएगा ये आएगा म्यू वन माइनस म्यू टू दे आर इन अपोजिंग कॉन्फिगरेशन दे आर नॉट इन असिस्टिंग कॉन्फिगरेशन असिस्टिंग कॉन्फिगरेशन जो है वो भी दिखा रहा हूँ असिस्टिंग कॉन्फिगरेशन जो है वो भी दिखा रहा हूँ ये देखो ये जो है कहाँ दिखाई दे रहा है मुझे एक बार चेक करने दो चौक आ गया इसके ऊपर नॉर्थ साउथ ओके ये देखो यह यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा यह है ये नॉर्थ है ये भी नॉर्थ है ये नॉर्थ है ये नॉर्थ है एक्चुअली दो ही मैग्नेट लेने लेकिन यहाँ यह सब सेटअप चेंज करने में टाइम जाएगा इसलिए मैंने अलग अलग मैग्नेट्स लेके दिखा आपको ये मेरा मैग्नेट M1 है ये मेरा मैग्नेट M2 है ये दो ही लेने हैं फिर इन दोनों को ही वैसे कनेक्ट करना है लेकिन आपको समझ में आने के लिए मैंने अलग अलग सिस्टम बनाई है ये नॉर्थ इसका इसके नॉर्थ के साथ चिपका हुआ है तो ये है नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन दिस डायरेक्शन ये है साउथ नॉर्थ इसका ये भी इस डायरेक्शन में और इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा म्यू वन प्लस म्यू टू इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा म्यू वन प्लस म्यू टू क्या करना है आप इसको यहाँ से निकाल के अब मैं निकाल के नहीं दिखा रहा हूं लेकिन इसको आपको यहाँ से निकालना है और ये अपोजिंग और ये असिस्टिंग कॉन्फिग्रेशन में का इसके जगह लगा देना है और वापस उसको ऑसिलेट करवाना है लेट अस से फाइव ऑसिलेशन उससे एक ऑसिलेशन का लगने वाला टाइम निकालो या टेन ऑसिलेशन उससे लगने वाला एक ऑसिलेशन के लिए टाइम निकालो ऐसे करना है ये है इंडिविजुअल फिर ये है इसको लगाओ असिस्ट और इसको लगाओ अपोजिंग और फिर मैं आपको एक छोटा सा काम होमवर्क के लिए दे रहा हूं वो क्या है ये भी देखो जैसे मैंने इसका पूरा डिटेल बता दिया आपको पूरा डिटेल क्या कि कैसे आता है वैसे मैं इसका फॉर्मूला बता रहा हूं ये है म्यू वन अपॉन म्यू टू ये है म्यू वन अपॉन म्यू टू इज इक्वल टू टी डी स्क्वेर प्लस टी एस स्क्स टी एस स्क् माइनस टी एस स्क्वेर टीएस क्या है वेन इट इज इन द असिस्टिंग मोड एस इज वेन इट इज इन द असिस्टिंग मोड और D is when it is in the opposing mode. When it is in the opposing mode. अब ये formula है when we use it in the combined manner. क्या करना है मैं अगर आपको देखना है तो ये बताता हूं इसको यहां से निकाल लो आप इसको निकाल लो और इसको निकाल के इसको निकाल के मेरे पास थ्रेड है मैं इसको यहाँ से निकाल लूँगा और इसको निकालने के बाद मैं इसके जगह पे इसको निकालने के बाद मैं इसके जगह पे आई कैन हैव द थ्रेड आई जस्ट ब्रेक इट ऑफ और इसके जगह पे मैं इन दोनों को साथ में यहाँ लगा दूंगा इन दोनों को साथ में यहाँ लगा दूंगा आई जस्ट टाइट ओवर ईयर दैट इज वॉट वी आर इन टू वन कॉन्फिग्रेशन मैं वापस बता रहा हूँ ये मैंने तीन तीन चार चार मैग्नेट इस्तेमाल किया आपको कॉलेज में सिर्फ एक ही मैग्नेट इस्तेमाल करना है आपको सिर्फ एक ही मैग्नेट इस्तेमाल करना है मैं इसको और एक बार टाइप कर देता हूँ ताकि ये गिरे ना ओके भाई लग वेरी एट दैट लग गया तो ये इसको थोड़ा सा बैलेंस करके लगा दीजिए आप जिस साइड पे बैलेंस जा रहा है आपने पढ़ा है टॉर्क वगैरह सब तो इसको इस, इट शुड रिमेन स्ट्रेट ओके इट शुड रिमेन स्ट्रेट तो इस ये दो मैग्नेट्स मैंने जोड़ दिए ये दो मैग्नेट्स मैंने जोड़ दिए हैं और वही करना है वही करना है क्या करना है देखो अभी मैं इनको ऐसे लेट ले ले इट स्टेडी डाउन राइट लेट इट स्टेडी अप इसको सीधा हो जाने दो आराम से और इसको पहले लगा के रखो 2 मिनट 3 मिनट लगने दो इसको स्टडी हो जाने दो और स्टडी हो जाने के बाद आप क्या करोगे वही है वही है टीडी और टीएस और अगर दो लोग एट टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं okay, ओके आप और आपका पार्टनर एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसको एक बार रीडिंग लेने दो आप एक बार रीडिंग लो और फिर दोनों का मीन निकालो दस ऑसिलेशन के लिए अगर आपने टाइम पीरियड निकाला शुरू करना है स्टॉप वॉच शुरू करना है दस ऑसिलेशन के बाद रुक जाना है उसका टाइम पीरियड आपका टाइम पीरियड का मीन लो देखो मैं इसको इसका ऑसिलेशन इसका ऑसिलेशन जो है वो क्योंकि वो स्टेबल नहीं था थोड़ा शायद टाइम लेगा वो स्टेबल होने के लिए और इसको स्टेबल हो गया एक बार फिर शुरू करो आपको इसको इसके नज़दीक लेके आना है इसको ऑसिलेट कराना शुरू करना है और ऑसिलेट करना शुरू होने के बाद फाइंड आउट द टाइम पीरियड फॉर फाइव और टेन ऑसिलेशन ओके इट है It has कर देते हो, जैसे ही आप उसका क्या ठीक से और एक या दो ऑसिलेशन शुरू होने के बाद तीसरे ऑसिलेशन पे स्टॉक वॉच चालू करो सो देट यू गेट द प्रॉपर टाइम ओके इसके बाद ये निकालो और असिस्ट और क्या है अपोजिंग uh, कॉन्फिग्रेशन दोनों में लगाना मत भूलना इसको तो ये फॉर्मूला आपका एक होमवर्क है ये फॉर्मूला जो है ये कहां से आया है ये आपको ढूंढना है इट्स वेरी वेरी सिंपल अगर आपको बेसिक मालूम है क्या किया हमने आज तो ये फॉर्मूला ढूंढने में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा प्रूव करो इसको टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ ये फॉर्मूले की प्रूफ लेकिन आपको इंडिविजुअल मेथड से इंडिविजुअल है एट ए टाइम एक ही लटकाना है और ये जो स्टेप्स बोले वो फॉलो करना है और उसके बाद मैंने फॉर्मूला लिखा था यहाँ आपको याद लगा के करना है अब वॉट इज द प्रिंसिपल ऑफ सस्पेंशन मैग्नेटोमीटर इसको सस्पेंशन बोलते हैं सस्पेंड लटका दिया है उसको मैंने एंड द प्रिंसिपल इज जो मैंने पहले ही बताया

ज्योमेट्रिक लेंथ मैग्नेटिक लेंथ छोटी है फाइव ये स है मैग्नेटिक लेंथ का अगर मुझे पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक लेंथ मालूम है तो मैं इसमें डाल के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ढूंढ सकता हूँ यूनिट चाहिए तो देखो पोल स्ट्रेंथ के यूनिट है एम्पियर मीटर और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के यूनिट्स है एम्पियर मीटर स्क्वेर

आपने देखा होगा ज्यादा ऑसिलेशन में चले जाओ तो वो ट्विस्टिंग करना शुरू कर देता है जितना ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कम है उतना ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग आता है उतना ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग आता है तो एक क्वेश्चन के साथ मैं आज का ये डेमोंस्ट्रेशन खत्म कर रहा हूं और वो क्वेश्चन है कि कैन यू प्रूव म्यू 1 अपॉन म्यू 2 TD2 TA2 अपॉन TD2 TA2 तो सेटअप सिंपल है

ट you you करके देख लो आप उसको तो ये सो okay? so, इसी पॉइंट के ऊपर खींचती है, है लेकिन आसान है इसका थियोरी समझना सिंपल है लेकिन ये दो लेसन में से थियरी आती है एक मैग्नेटिज्म में से दूसरे ऑसोलेन में से और तीसरा ऑफकोर्स मूवमेंट ऑफ इनर्शी ऑफ अटेंगुलर ऑब्जेक्ट इट इज फ्रॉम रोटेशनल डायने लेकिन हो सकता है कि इसमें का कुछ पार्ट आपको वो डायरेक्टली दे दे मैंने सब सेक्शंस uh, को प्रैक्टिकली दिखाया है शायद कुछ पार्ट क्योंकि 90 मिनट्स में इतना सब करना थोड़ा डिफिकल्ट है कुछ पार्ट इसका आपको वो डायरेक्टली दे वैल्यूज दे देंगे फॉर एग्जाम्पल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली दे दिया या मास भी दे दिया समथिंग लाइक ओके तो फाइन इसी पॉइंट पे हम लोग रुक जाते हैं आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया है इसके प्रैक्टिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी हम लोग अभी रुकते हैं अगले एक्सपेरिमेंट के तरफ अगले एक्सपेरिमेंट तक थैंक यू सो मच एंड हैव डे